मैं आसानी से इस चिप को बाहर उठा सकता हूँ। 30 वाट काफी इजली इस सोल्डिंग आयरन ने इस ग्राउंड पैड को मेल्ट कर दिया है। 300 मैंने यहाँ पर सेट किया है, 303। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ सीक्वर का S60 नैनो इलेक्ट्रिक शोल्डिंग पैन। जी हाँ दोस्तों, ये एक शोल्डिंग आयरन है जिसको आप अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। 60 वाट के इस सोल्डिंग स्टेशन में आप C210 कार्ट्रिजेस को लगा सकते हो और कहीं पर भी आप इसके थ्रू शोल्डिंग डी शोल्डिंग कर सकते हो। बस आपको PD 3.0 या फिर QC 2.0 वाला एडेप्टर या फिर पावर बैंक चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं सीक्वर के इस नैनो शोल्डिंग आयरन को अनबॉक्स। देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये शोल्डिंग स्टेशन लेने लायक है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके डिब्बे को और करते हैं इसको अनबॉक्स। ये शोल्डिंग स्टेशन मुझे मिला है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। कोई रिटेल पैकिंग तो नहीं है, बट ठीक है। आगे की साइड को मेरा एड्रेस था और पीछे की साइड को कस्टम डिक्लेरेशन बता रखी है। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, तो इसके अंदर मिल जाएगा ये एक पाउच और ये है S60 नैनो इलेक्ट्रिक शोल्डिंग आयरन और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। इस पाउच के अंदर आपको एक तो ये मेन शोल्डिंग आयरन मिलता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जस्ट अ पेन साइज। और आगे है इसका एडेप्टर जो कि 5 वोल्ट पर अप टू 3 एम्पियर और 12 वोल्ट पर अप टू 1.5 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है। ये एडेप्टर 60 वाट का तो नहीं है, बट स्टिल इट कैन पावर दिस सोल्डिंग पेन। आगे बॉक्स में एक स्टैंड मिल जाएगा टिप क्लीनिंग के लिए, एक स्पंज भी साथ में आती है जिसको आप यहाँ पर रख सकते हो। आगे इस साइड आपको मेन कार्टेज मिल जाएगी। मैंने एक ही कार्टेज ली है, के टाइप की। मेरे पास कुछ और C210 कार्टेजेस भी हैं जिनको मैं इस आयरन के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। आगे है एडहेसिव स्टिकर्स जिसको आप कहीं पर भी लगा के ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। आगे है इसका यूजर मैनुअल जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब कुछ पढ़ने को मिल जाएंगे। तो बस यही कुछ मिलता है आपको इसके डिब्बे में, मतलब कि पाउच में। आइए अब देख लेते हैं इस शोल्डिंग पैन को। दिखने में ये शोल्डिंग आयरन कुछ इस टाइप का है। ऑल्दो प्लास्टिक की बॉडी है, बट काफ़ी ड्यूरेबल है। और ये जो C210 कार्टेज है वो यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगती है। तो विद कार्टेज ये शोल्डिंग आयरन कुछ इस टाइप से दिखता है। चलिए कार्टेज को बाहर निकाल लेते हैं। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, प्लास्टिक की बॉडी है। यहाँ पर कार्टेज लगेगी, एक स्क्रू है यहाँ पर। ये फिजिकल बटन ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर एक और स्क्रू है, ये इसका डिस्प्ले हो गया। टाइप सी पोर्ट हो गया फॉर पावर। तो कुछ इस टाइप से ये शोल्डिंग स्टेशन दिखता है। काफ़ी लाइट वेट है। वेट है इसका 21.9 ग्राम्स, कार्टेज का 2.3 ग्राम्स और कंबाइन आयरन का 24.3 ग्राम्स। चलिए अब इसके स्टैंड को देख लेते हैं। स्टैंड की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है, मेटलिक बॉडी है। इस पर एक आर्म है जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और इस पर आप इस स्टेशन की टिप को कुछ इस टाइप से रख सकते हो। इस पर एक स्पंज भी दी गई है जिस पर आप पानी डाल के इसकी टिप को क्लीन कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से ये स्टैंड पर दिखता है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसका सेटिंग मेन्यू। इसके एडेप्टर को AC आउटलेट पर कनेक्ट कर देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं विद दिस एडेप्टर सीक्वर वर्जन 1.10। तो ये स्टेशन अब ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप इसका डिस्प्ले देख सकते हो, 0.91 इंच का ये OLED डिस्प्ले है और इसी डिस्प्ले पर आपको सारे जो पैरामीटर्स जो आपने सेट किए हैं पढ़ने को देखने को मिल जाएंगे। तो इस समय स्टेशन के टिप का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है और अगर मैं टिप को हटा दूं तो यहाँ पर एक एरर मैसेज बीप होगा, चेक टिप, मतलब कि टिप या तो खराब हो चुकी है या फिर नहीं लगी हुई है। ऐसे ही आपको इसी जगह पर अगर वोल्टेज हाई है तो हाई V, अगर वोल्टेज कम है तो लो V, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हाई T, और अगर PCB का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया हो तो PCB T एरर मैसेज बीप होता हुआ मिलेगा। और सिमिलर इस टाइप का मैसेज आप यहाँ पर भी दे सकते हो CT। चलिए अब इस टिप को अंदर लगा देते हैं और टिप लगाते मैसेज
बीप होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़े अक्षरों में करंटली जो टिप का टेम्परेचर है वो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पर कितना आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है ये पढ़ने को मिल जाएगा, जैसे कि इस समय 300 डिग्री सेल्सियस सेट है। आप इस टेम्परेचर को 50 के स्टेप में कम ज़्यादा कर सकते हो इन ए बी बटन से। अगर आपको कम करना है तो ए बटन को टैप करना होगा, ये मिनिमम 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और अगर आपको टेम्परेचर को बढ़ाना है तो आपको बी बटन को टैप करना होगा। और करंटली 50 डिग्री सेल्सियस के स्टेप्स हैं, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस के स्टेप में टेम्परेचर को बढ़ा के अप टू 500 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर सकते हैं। तो 50 टू 500 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज है। यहाँ पर एडेप्टर कनेक्टेड है, ये दिखा रहा है। ये प्रोग्रेस बार आपको करंट कितनी पावर ये टिप कंज्यूम कर रही है इसके बारे में बताएगा। यहाँ पर स्टेटस अभी स्टॉप है, अगर मैं इस बटन को टैप एंड होल्ड करता हूँ तो ये स्टॉप से वर्किंग मोड पर चला जाएगा। और यहाँ पर करंटली एडेप्टर की वोल्टेज बता रहा है 11.9 वोल्ट। तो ये इसका मेन डिस्प्ले हो गया। चलिए अब स्टेशन को ऑन करते हैं। मैं अगर इस ए बटन को टैप एंड होल्ड करता हूँ तो स्टेटस स्टॉप से वर्क में चला गया, मतलब कि जो कार्टेज है टिप है ये इस समय गर्म हो रही है। और मैंने 500 डिग्री सेल्सियस सेट कर रखा है और टिप का टेम्परेचर करंटली 500 डिग्री सेल्सियस बता भी रहा है। तो ये जो कार्टेज है ये इस समय अब 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो चुकी है। और अगर मुझे टेम्परेचर को कम करना है तो मैं इसको वर्किंग मोड में भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे कि इस समय मैंने 200 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया है तो कार्टेज का टेम्परेचर अब गिर रहा है और ये 200 पर जाके स्टेबल हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगता है कार्टेज को ठंडा होने में, जबकि अगर मैं इसको गर्म करूँ तो ये स्टेशन काफ़ी फास्ट है। आप देख लीजिए 300 मैंने सेट किया और तुरंत 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। और मैं इस बटन को टैप एंड होल्ड करके इस स्टेशन को स्टॉप कर सकता हूँ। दोस्तों इस स्टेशन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको इस बी बटन को टैप एंड होल्ड करना होगा। ये इसका लेवल 1 मेनू हो गया। इसमें आयरन सेटिंग है, आइडल सेटिंग है, ओलेड सेटिंग है, वोल्टेज सेटिंग है, कैलिब्रेशन सेटिंग है और अबाउट दिस स्टेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अगर मैं आयरन सेटिंग में जाना चाहता हूँ तो अगेन इसको सेलेक्ट करके मैं इस बटन को टैप एंड होल्ड कर दूंगा। यहाँ पर मैं टेम्परेचर कंपनसेशन को चेंज कर सकता हूँ, बजर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, टेम्परेचर यूनिट को सेल्सियस फ़ारेनहाइट में स्विच कर सकता हूँ, वर्किंग टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ऑन होते ये 300 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है उसको चेंज कर सकता हूँ, स्टार्टिंग हीटर्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, फैक्ट्री रीसेट कर सकता हूँ, टेम्परेचर जो स्टेबिलिटी है उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, टेम्परेचर स्टेप्स को मैं 0 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में सेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको चेंज करके करना चाहता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस का स्टेप, तो यहाँ पर जाना है और छोड़ देना है, ये अपने आप सेव होके 5 सेकंड में बैक हो जाता है। नहीं तो आप इन दो बटन्स को टैप करके भी बैक कर सकते हो। अब अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो ये 20 डिग्री सेल्सियस के स्टेप में चेंज हो रहा है। आगे है पावर, इसको आप ऑटो से लेकर 20 to 100% तक सेट कर सकते हो, मतलब कि टिप कितनी पावर कंज्यूम करेगा आप यहाँ पर इसको प्री डिफाइन कर सकते हो। आगे है आइडल सेटिंग, जिसमें आप स्लीप टाइम को चेंज कर सकते हो, स्लीप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, आइडल टाइम को चेंज कर सकते हो, सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हो, मतलब कि अगर आप स्टेशन को उठाते हो तो ये अपने आप आइडल टू नॉर्मल मोड या फिर वर्किंग मोड में चला जाएगा। आगे है स्क्रीन ओपन टाइम, मतलब कि स्टैंड बाय में डिस्प्ले ऑन होगा कि ऑफ होगा ये टाइम। आगे ओलेड सेटिंग है, जिसमें आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो अगर आपको डिस्प्ले को रिवर्ट करना है, जैसे कि अगर मैं इसको 180 पर रिवर्ट कर दूं तो ये कुछ इस टाइप का डिस्प्ले दिखेगा, तो ये सेटिंग भी मैं यहीं से कर सकता हूँ। आगे है वोल्टेज सेटिंग, जिसमें मैं लो वोल्टेज प्रोटेक्शन को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, पावर यूनिट को कंपनसेट कर सकता हूँ, मतलब कि अगर एडेप्टर की वोल्टेज कम ज़्यादा दिखा रहा है तो उसको यहाँ पर मैं कंपनसेट कर सकता हूँ। आगे है कैलिब्रेशन मेनू, जिसमें मैं इस टिप के टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर सकता हूँ, अगर कम ज़्यादा है तो ये 4 स्टेप्स में टिप के टेम्परेचर को कैलिब्रेट करेगा। जैसे कि T1 में इस समय 62 सेट है, रियल टाइम में क्या दिखा रहा है आप यहाँ पर एक थर्मोकपल लगा लीजिए और जो टेम्परेचर ये इस सेटिंग में दिखा रहा है उसको आप यहाँ पर फीड कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर जाके प्रेस कर दीजिए। तो ये अब T2 टेम्परेचर को दिखा रहा है, 280 सेट है। ऐसे अगले स्टेप में आप T3 टेम्परेचर को सेट कर सकते हो और फाइनली T4 टेम्परेचर को सेट कर सकते हो और उसके बाद सेटिंग को सेव कर सकते हो।
और फाइनली आपको अबाउट मेनू मिल जाएगा, जिसमें आपको करंट जो फर्मवेयर वर्जन है 1.10 वो पढ़ने को मिल जाएगा। ये पावर पीडी 3.0 और क्यूसी 2.0 को सपोर्ट करता है और इनपुट मैक्सिमम पावर 12 वोल्ट ये बता रहा है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस मेनूस हो गए, जिसके जरिए आप इस शोल्डिंग स्टेशन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। स्लीप टाइमर को, आइडल टाइमर को, स्क्रीन ऑन को, ब्राइटनेस को, इन सभी को सेट कर सकते हो। और सबसे बढ़कर कि आप यहाँ पर जो टेम्परेचर स्टेप्स हैं बाई डिफॉल्ट 50 के आते हैं, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो नाउ दिस शोल्डिंग स्टेशन इज रेडी टू यूज़। चलिए सबसे पहले इसकी हीटिंग स्पीड को देख लेते हैं। टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस पर इस समय सेट है। कार्टेज का टेम्परेचर 34 दिखा रहा है। चलिए अब स्टेशन को ऑन करते हैं। विद इन 5 सेकेंड इसकी जो कार्टेज है वो जो सेट टेम्परेचर है वहां तक पहुंच जाती है। तो चलिए कुछ रियल टाइम में ही इस पर शोल्डिंग डी शोल्डिंग भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले थ्रू होल कंपोनेंट को देख लेते हैं, जैसे कि इस बोर्ड पर ये कैपेसिटर। सबसे पहले मैं एरिया को फ्लक्स कर देता हूं और उसके बाद शोल्डिंग आयरन की टिप से देख लीजिए, ये जो लेड फ्री शोल्डर है ये काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है। और उसके बाद मैं विक की मदद से या फिर इस डी शोल्डिंग पंप की मदद से इस मेल्टेड शोल्डर को उठा देता हूं, देख लीजिए। और ये जो कैपेसिटर है ये बाहर निकल गया। चलिए इसको वापस लगाते हैं। यहाँ पर मैं शोल्डिंग वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख लीजिए काफ़ी आसानी से ये कैपेसिटर वापस से लग गया है, बढ़िया फिनिश। चलिए एक और थ्रू होल कंपोनेंट को भी शोल्डर डी शोल्डर कर लेते हैं। यहाँ पर एक डायड है जिसका बेस काफ़ी बड़ा है, मतलब कि काफ़ी पावर यहाँ पर लगने वाली है। चलिए देखते हैं कि क्या मैं इसको निकाल पाता हूँ। लेड फ्री शोल्डर है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं फ्लक्स ऐड कर देता हूँ ताकि शोल्डर अच्छे से रीफ्लो कर जाए। और उसके बाद शोल्डिंग आयरन की टिप से मैं शोल्डर को मेल्ट कर सकता हूँ, देख लीजिए काफ़ी आसानी से ये अब मेल्ट हो रहा है। अब आइदर विद द विक या फिर मैं डी शोल्डिंग पंप से इस मेल्टेड शोल्डर को उठा सकता हूँ। और फाइनली ये डायड भी बाहर निकल गई है। चलिए अब इसको वापस लगा देते हैं। मैकेनिक का ये 183 वाला शोल्डर पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कुछ स्टेप से मेल्ट हो जा रहा है। और एरिया को क्लीन करने के बाद आप देख लीजिए क्या बढ़िया फिनिशिंग आई है। चलिए अब SMD कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। मैं इस बोर्ड से इस ब्रिज रेक्टिफायर चिप को बाहर निकाल रहा हूँ। अब चूंकि मैं इन चारों पैड्स को एक साथ गर्म तो नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पर लेड फ्री शोल्डर का भी इस्तेमाल हुआ है, तो इन दैट केस मैं मैकेनिक का ये 138 डिग्री सेल्सियस वाला शोल्डिंग पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा पेस्ट चारों पिंस पर लगा देते हैं। ये जो शोल्डर है ये थोड़ा लंबे समय तक मेल्ट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर लो है 138 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस शोल्डिंग स्टेशन से इन पैड्स को गर्म करता हूँ तो ये पैड थोड़ी देर तक ले मेल्ट रहते हैं और मैं आसानी से इस चिप को बाहर उठा सकता हूँ। चलिए अब इसको वापस लगा देते हैं। सबसे पहले मुझे जो पुराना शोल्डर है उसको हटाना होगा, इसके लिए मैं विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ ही में IC के चारों पिन से भी। इस IC को रीशोल्डर करने के लिए मैं मैकेनिक का 183 डिग्री सेल्सियस वाला शोल्डिंग पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा पेस्ट चारों पैड्स पर लगा देते हैं और उसके बाद IC को प्लेस कर देते हैं और IC को अलाइन करते हुए बोर्ड पर शोल्डर कर देते हैं। देख लीजिए ये चारों पिंस काफ़ी आसानी से शोल्डर हो गई हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फ्लक्स ऐड कर देता हूँ ताकि शोल्डर अच्छे से रीफ्लो कर जाए। आप देख लीजिए कितने बढ़िया तरीके से ये शोल्डर रीफ्लो हो रहा है और काफ़ी स्मूथ और शाइनी हमें फिनिशिंग मिल रही है। चलिए अब एरिया को क्लीन कर देते हैं विथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो फाइनली ये ब्रिज रेक्टिफायर IC अच्छे से इंस्टॉल हो गई है, देख लीजिए क्या बढ़िया फिनिशिंग मिली है। चलिए एक SMD रजिस्टर को भी बाहर निकाल के देखते हैं। अगेन यहाँ पर लेड फ्री शोल्डर है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्स ऐड कर देता हूँ और उसके बाद शोल्डिंग टिप को कुछ स्टेप से अक्रॉस रख के मैं इस रजिस्टर के दोनों पैड्स को एक साथ गर्म करके इस रजिस्टर को डी शोल्डर कर सकता हूँ, देख लीजिए
कुछ इस टाइप से ये रजिस्टर बाहर आ गया। रजिस्टर को वापस लगाने के लिए मैं सबसे पहले पुराने शोल्डर को, लेड फ्री शोल्डर को हटा देता हूँ, और उसके बाद एरी को क्लीन करके मैं ये 183 डिग्री सेल्सियस वाला मैकेनिक का शोल्डर पेस्ट लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं इस रजिस्टर चिप को वापस रख देता हूँ, और उसके बाद शोल्डिंग आयरन की टिप से मैं इस रजिस्टर को कुछ स्टेप से लगा देता हूँ। एक साइड से पहले मेल्ट करता हूँ और फिर दूसरी साइड से। ऑल्दो ये जो काम है ये एसएमडी रीवर्क स्टेशन से काफ़ी बढ़िया हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ शोल्डिंग स्टेशन मैं इस काम को भी परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ। देख लीजिए ये जो रजिस्टर है ये काफ़ी अच्छे से लग गया है। आइए अब इस शोल्डिंग स्टेशन की पावर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड पैड है और आप देख सकते हो कि काफ़ी ईजली इस शोल्डिंग आयरन ने इस ग्राउंड पैड को मेल्ट कर दिया है। डेफिनेटली पावर काफ़ी अच्छी है या बढ़िया। यहाँ पर मैं अब इस हीट सिंक को बाहर निकाल रहा हूँ। इसका ये काफ़ी बड़ा शोल्डर पैड है, चलिए इसको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है बट डेफिनेटली ये मेल्ट हो गया। डी शोल्डिंग पंप की मदद से इसको उठा देते हैं और बाकी जो ट्रांजिस्टर है उसके भी तीनों पैड से शोल्डर को उठा देते हैं, और फाइनली ये जो हीट सिंक है विद दैट ट्रांजिस्टर बाहर निकल गया है। ये इस समय काफ़ी गर्म है। चलिए कुछ और बड़ा देखा जाए। यहाँ पर मैं इस पीसीबी बोर्ड से इस बड़े शोल्डर पैड को मेल्ट करके देख लेता हूँ। तो देख लीजिए थोड़ा सा समय लग रहा है बट फाइनली ये मेल्ट हो गया है और मैं डी शोल्डिंग पंप की मदद से शोल्डर को अब आराम से उठा सकता हूँ। तो काफ़ी आसानी से मैं इस शोल्डिंग आयरन की मदद से काफ़ी बड़े बड़े शोल्डिंग पैड को भी डी शोल्डर कर सकता हूँ, और फाइनली ये वायर भी बाहर आ गई है। चलिए अब देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड्स को भी। तो यहाँ पर मैं इसकी मदद से इस आईसी के ये जो ट्रैक है उसको क्लीन कर रहा हूँ। इन पैड्स को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ विक। देख लीजिए काफ़ी ईजली ये जो शोल्डिंग स्टेशन है ये इस आईसी के पैड्स को क्लीन कर देता है। क्लीन करने के बाद क्या बढ़िया इसने काम किया। मैं अभी टिप को चेंज कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी पतली पतली बॉल्स हैं, तो ये मैंने पॉइंटेड वाली यूज़ की है। देख लीजिए इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है और इससे मैं काफ़ी ईजली पैड्स पर काम कर सकता हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं इसकी मदद से छोटी मोटी जंपिंग कर सकता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को, और उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्स ऐड करके ये जो जंपिंग वायर है इसको शोल्डर कर देता हूँ। देख लीजिए काफ़ी ईजली ये शोल्डर हो गई है, और इसका जो दूसरा एंड है उस पर भी मैं थोड़ा सा शोल्डर पेस्ट लगा देता हूँ, और उसके बाद इस आयरन की टिप से मैं इसको भी शोल्डर कर देता हूँ। एक्स्ट्रा वायर काट देते हैं और एरी को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन कर देते हैं, और फाइनली आप रिजल्ट देख लीजिए ये जंपर रेडी है। यहाँ पर एक छोटा सा एसएमडी कैपेसिटर है, काफ़ी छोटा है ये, देख लीजिए टिप का साइज और इस कैपेसिटर को, तो काफ़ी ईजली ये इससे निकल गया है। चलिए इसको वापस लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले पैड से पुराने शोल्डर को हटा देता हूँ, और देन आफ्टर मैं इस कैपेसिटर को वापस से रीशोल्डर कर देता हूँ। काफ़ी छोटा ये एसएमडी कंपोनेंट है। फ्लक्स ऐड करने के बाद जो रीफ्लो है वो काफ़ी ईजली हो जाता है, और ये जो कैपेसिटर है ये काफ़ी आसानी से वापस लग जाता है। चलिए एरिया को क्लीन कर देते हैं और फाइनली आप रिजल्ट देख लीजिए, तो ये कैपेसिटर वापस से शोल्डर हो गया है। ऐसे और भी बहुत सारी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग को इस सोल्डिंग स्टेशन से कर सकता हूँ, जैसे कि इस बोर्ड से ये यूएसबी टाइप सी कनेक्टर उखड़ गया था, और मैंने काफ़ी ईजली विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्डिंग स्टेशन इसको रिपेयर कर दिया। आइए दोस्तों अब इसकी टेम्परेचर एक्यूरेसी को भी देख लेते हैं। मैं शुगोन का S196 इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए स्टेशन को ऑन करते हैं। मैं सबसे पहले लोअर टेम्परेचर को देख लेता हूँ। मैंने स्टेशन पर इस समय 100 डिग्री सेल्सियस सेट किया है। चलिए देखते हैं कि शुगोन कितना दिखाता है। 100
चलिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 150 मैंने सेट किया है, 152, 300 मैंने यहाँ पर सेट किया है, 303, 350 मैंने सेट कर दिया है, 357 तक मैक्सिमम गया है, अभी मैंने 400 सेट कर दिया है, 407 तक गया है, और फाइनली 500 यहाँ पर मैंने सेट किया है, और शुगोन दिखा रहा है 504 मैक्सिमम। तो टेम्परेचर एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया है, अगर ये एक्यूरेट नहीं भी है तो इन दैट केस मैं इसको कैलिब्रेट कर सकता हूँ। कैसे? उसके लिए मुझे जाना होगा सेटिंग मेनू में, और यहाँ पर ऑप्शन है कैलिब्रेशन की, इसको सेलेक्ट करते हैं, और ये चार स्टेप में टेम्परेचर को कैलिब्रेट करेगा। यहाँ पर फिक्स वैल्यू है, रियल वैल्यू है, और जो आपको थर्मामीटर के थ्रू मिल रहा है वो आप यहाँ सेट कर सकते हो, और नेक्स्ट है। चलिए स्टेशन को ऑन करते हैं, तो इस समय स्टेशन ठंडा हो रहा है, चलिए थोड़ा सा इसको ठंडा होके सेटल होने देते हैं टिप के टेम्परेचर को। ओल्डर कैलिब्रेशन डाटा 62 का है, तो डेफिनेटली ये 62 पर जाके ही स्टेबल होगा। तो रियल टाइम में जो टिप का टेम्परेचर है वो लगभग स्टेबल हो चुका है, 80 दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कि शुगोन का ये कितना दिखाता है, तो लगभग वही है। अब रियल में देख लीजिए, रियल में 73 दिखा रहा है, वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो ठीक है। नेक्स्ट में फिक्स में दिखा रहा है 400, रियल में अभी स्टेशन ऑन नहीं है, चलिए स्टेशन को ऑन करते हैं, रियल में दिखा रहा है 400, अभी लगभग स्टेबल हो चुका है। चलिए देखते हैं कि शुगोन का ये कितना दिखाता है, तो जो भी शुगोन का दिखाता है वही मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा, 292, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, 292। ये चलिए इसको सेव करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर फिक्स है 620, रियल में टेम्परेचर गिर रहा है, चलिए स्टेशन को ऑन करते हैं, 416 तक गया है, बाय डिफॉल्ट 400 था तो इसको मैं 416 कर देता हूँ। चलिए इस वैल्यू को सेव कर लेते हैं और चलते हैं लास्ट पर, यहाँ पर फिक्स है 850, चलिए स्टेशन को ऑन करते हैं, 525, चलिए 525 एंटर करते हैं, ये 525 मैंने एंटर कर दिया है, चलिए इसको सेव कर देते हैं और फाइनली सेव कर देते हैं। तो नाउ दिस सोलन स्टेशन इज फुली कैलिब्रेटेड। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं टेम्परेचर को इस समय रख रहा हूँ 350, और मैं स्टेशन को ऑन भी कर देता हूँ, तो इस समय ये ऑन हो चुका है, 350 सेट है और 350 दिखा भी रहा है। चलिए देखते हैं कि शुगोन का ये कितना दिखाता है, अब 349 मैक्सिमम गया था, इट इज़ वेरी एक्यूरेट। आइए अब देख लेते हैं इसकी पावर रेटिंग को भी, क्योंकि इसका एडाप्टर 12 वोल्ट पर मैक्सिमम 1.5 एम्पीयर तक ही डिलीवर कर सकता है, तो इन दैट केस अगर मैं इस एडाप्टर से इस शोल्डिंग आयरन को चलाऊं तो मैक्सिमम 18 वाट ही इस आयरन को मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, 23.5 वाट तक ये मैक्सिमम गया था, प्लस माइनस 18 है ये, और उससे ज़्यादा नहीं, और अब ये आइडियल हो चुका है और इस समय 2.53 वाट तक ये कंज्यूम कर रहा है। और अगर मैं इससे शोल्डिंग डी शोल्डिंग करूँ तो ये मैक्सिमम 6-7 वाट तक कंज्यूम करता है, तो 23.5 वाट ही मैक्सिमम इस अडेप्टर से इस फैन को मिल पाते हैं। शोल्डिंग आयरन है ये, मैक्सिमम कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है इसको चेक करने के लिए मुझे अडेप्टर को बदलना होगा। यहाँ पर मैं स्टफ कूल के इस 100 वाट के यूनिवर्सल अडेप्टर को चेक कर रहा हूँ, 30 वाट, आप देख लीजिए 9 वोल्ट हो चुकी है और 3.2 एम्पीयर करंट इस समय फ्लो कर रहे हैं। अगर आपको इससे कहीं ज़्यादा पावर पर इस शोल्डिंग पैन को चलाना है तो इन दैट केस आपको बड़े अडेप्टर या फिर बड़े पावर के पावर बैंक लेने होंगे, तो मेरे केस में मुझे 30 वाट तक मिल गए हैं। आइए दोस्तों अब इसके रिकवरी टाइम को भी देख लेते हैं, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ वाटेज टेस्टिंग में कि कितनी जल्दी ये स्टेशन रिकवर होता है। इस समय 360 डिग्री सेल्सियस पर ये सेट है, तो अगर मैं इसको ठंडा कर दूं, 300 हो गया,
250 तक चला गया था और वापस 360 पर आ गया। तो विद इन 5 सेकेंड ये जो स्टेशन है ये रिकवर कर जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पावर सप्लाई कितनी वाटेज की है, अगर ज़्यादा वाटेज की है तो जल्दी रिकवर कर जाएगा, अगर आप जो साथ में अडेप्टर आ रखा उसको इस्तेमाल करोगे तो मे बी ये थोड़ा स्लो करेगा, बट मेरे केस में 30 वाट तक ये पावर सप्लाई इसको डिलीवर कर रही है तो इन दैट केस ये रिकवर भी जल्दी कर जा रहा है। ये स्टेशन ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाता है, जो भी टाइम आपने सेट कर रखा है अगर उस समय तक स्टेशन को आप एज इट इज छोड़ देते हो तो ये स्लीप मोड पर चला जाता है। देख लीजिए इस समय ये स्लीप मोड पर चला गया है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सेट हो गया है, और जैसे ही मैं अब इस स्टेशन को उठाऊंगा तो ये नॉर्मल वर्किंग मोड पर चला जाएगा, टेम्परेचर 300 जो पहले था वहाँ तक इसकी कार्टेज भी गर्म हो जाएगी। इसको आप सेटिंग मेनू में जाके आइडल के अंदर देख सकते हो। स्लीप टाइम है इस समय 60 सेकंड्स का, स्लीप टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस का, आइडल टाइम 360 सेकंड्स का, सेंसिटिविटी 5 है, स्क्रीन ओपन ऑन है, तो यहाँ से आप स्लीप टेम्परेचर को टाइम को सेट कर सकते हो। तो सीक्वर का S60 नैनो शोल्डिंग स्टेशन नो डाउट परफॉर्मेंस में तो काफ़ी बढ़िया है, आप इससे किसी भी टाइप की शोल्डिंग डी शोल्डिंग कर सकते हो, आप अप टू मैक्सिमम 60 वाट इससे ले सकते हो। तो परफॉर्मेंस बढ़िया, लुक एंड डिज़ाइन बढ़िया और इजी टू कैरी, तो मैं तो इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करता हूँ। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आपको ये शोल्डिंग पेन कैसा लगा, अगर आप इस पेन को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके इस शोल्डिंग आयरन को या इस शोल्डिंग पेन को ले सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है घंटे वाला जो निशान है उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना पाए। नमस्कार, बाय बाय।